हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। वेलकम टू कलरफुल ट्रेड्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स होता क्या है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। आज हम बात करने वाले हैं वन कैंडल स्टिक्स के बारे में, यानी कि सिंगल कैंडल स्टिक्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, इसके बेसिक पैटर्न्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स के ओवरव्यू लेते हुए और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक्स होता क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडल स्टिक्स होता क्या है, बेसिकली कैंडल स्टिक्स होता है कि ये प्राइस को एनालाइज करने में आपको हेल्प करता है। आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्राइस का ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, विद इन स्पेसिफिक पीरियड में आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर मार्केट में उसी हिसाब से आप अपने पोजीशन को बना पाते हैं। ये दर्शाता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का क्या बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में अपना पोजिशन बना पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि मार्केट का अभी क्या बिहेवियर चल रहा है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अपसाइड में जा रहा है, फिर सडनली डायरेक्ट साइडवेज चला गया, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का कैसा फाइट चल रहा है। देखिए यहाँ पर चल रहा है कि बायर्स यहाँ पर हैवी हैं, फिर सडनली बायर्स और सेलर्स के बीच में एक फाइट चला और उसमें क्या होता है कि सेलर जीत गया और फिर नीचे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर मार्केट में कैसा बिहेवियर है। आप चार्ट के थ्रू यानी कि कैंडल स्टिक्स के थ्रू ये जान पाएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप प्राइस के थ्रू ये एनालाइज कर पाएंगे कि प्राइस का अभी क्या पोजीशन है, प्राइस के अकॉर्डिंग यानी कि उसकी ओपनिंग क्या चल रही है अभी मार्केट में, उसका प्राइस का क्लोजिंग क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग है आप ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो स्टॉक में कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो, आप किसी तरह की भी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो। ठीक है, आप मार्केट में इन्वेस्ट करके भी ये समझ पाएंगे कि क्या कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैंडल स्टिक्स थ्रू आप ये जान पाएंगे। ठीक है, कैंडल स्टिक्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं कि कैंडल स्टिक, देखिए रेड कलर का जो कैंडल स्टिक होता है वो बेयरिश कैंडल स्टिक्स होता है। ठीक है, वहीं पर जो ग्रीन कलर का होता है उसको बुलिश कैंडल स्टिक्स कहते हैं। ठीक है, बेयरिश कैंडल का जो ओपनिंग होगा प्राइस का वो हमेशा ऊपर साइड में रहेगा, वहीं पर क्लोजिंग जो है नीचे साइड में रहेगा। और ये डंडा जैसा आप देख रहे हैं ये विक कहलाता है, नीचे वाले को हम लोअर शेडो कहते हैं, वहीं ऊपर ऊपर वाले को अपर शेडो कहते हैं, जो बीच में इसको कहते हैं इसको बॉडी कहते हैं। ठीक है, जब भी बेयरिश कैंडल बनेगा तो उसका प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा। वहीं पर बात करें बुलिश कैंडल में तो उसका प्राइस जो होता है जब भी ये आएगा तो ओपनिंग इसका देखो नीचे साइड में होगा और क्लोज जो होता है ऊपर साइड में, वहीं पर बेयरिश में क्लोज नीचे साइड में होगा। ये बेयरिश में ही शो करता है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहीं पर बुलिश में ये शो कर रहा है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो समझते हैं चार्ट के थ्रू आप। ठीक, चार्ट में ये दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए सर, जैसे आप समझ रहे हैं कुछ कि यहाँ पर जैसे बायर्स आए, देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बायर्स कितने हैवी हो गए, सडनली यहाँ पर एक अप ट्रेंड चला। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आए यहाँ पर सेलर्स हैवी हो गए यानी कि हावी हो गए और यहाँ पर नीचे डाउन ट्रेंड चलने लगा और यहाँ पर देखिए आप साइडवे चल रहा है। ये दिखा रहा है कि बायर्स यहाँ पर मार्केट में क्या चल रहा है। कैंडल स्टिक के थ्रू आप यही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है और मार्केट में बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो किस तरह का बिहेवियर दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक्स होता क्या है। तो कुछ पॉपुलर कैंडल स्टिक्स हैं जैसे कि बुलिश मेरोगोजो, बेरिश मेरोगोजो, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार और डोजी। ये कुछ पॉपुलर कैंडलस्टिक्स हैं जो कि आपके चार्ट में अक्सर दिखते रहते हैं। जब भी आप देखेंगे, ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टिंग करेंगे, ये आपके चार्ट्स में नजर आते रहेंगे। तो चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बुलिश मेरूबेजो होता क्या है? तो मेरूबेजो का बेसिकली मतलब होता है ब्लेड। देख रहे हैं आप ये पर रेक्टेंगुलर शेप में एक बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये एक ब्लेड टाइप का दिख रहा है आपको, जिसमें आपको एक क्लोजिंग और इसका हाई दोनों बराबर होगा, वहीं पर ओपनिंग और लो जो है ये दोनों उसका बराबर होगा और जो बॉडी इसका एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर लॉन्ग शेप में बनेगा।
जब भी ये बनेगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अब ये बुलिश ट्रेंड होने वाला है, यानी कि सडनली जब भी ये बनेगा तो आपको एक अप मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये आ रहा था डाउन ट्रेंड, सडनली एक मैरू बुजुर्ग बना, ये देख रही है, और उसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बुलिश जब भी मैरू बुजुर्ग बनेगा, सडनली एक मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड आएगा और ये अप ट्रेंड में चला जाएगा। यानी कि जब भी मैरू बुजुर्ग बनता है, डाउन ट्रेंड बनेगा, ये आपको दिखेगा कि मूवमेंट यहाँ पर एक रिवर्सल चेंज आएगा। ठीक है, वही बियरिश मैरू बुजुर्ग की बात करें तो बेरिश मैरू बुजुर्ग जो होता है, एक रेड कलर का कैंडल होता है, लॉन्ग रेड कलर का कैंडल, जिसमें कि विक नहीं होते, इनमें आप देखो विक नहीं होते। ठीक है, इसका ओपनिंग और हाई दोनों बराबर होगा, वहीं पर क्लोजिंग और लो जो है ये दोनों उसका बराबर होगा, और ये बीच में आपको बॉडी दिख रहा है। ठीक है, ये जब भी बनेगा तो इसके बाद एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक के थ्रू से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप देख रहे हो जैसे ये बना एक बेरिश मैरू बुजुर्ग, उसके बाद सडनली मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था। ऐसे पहले चल रहा था अप ट्रेंड, और उसके बाद एक कैंडल बना, उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बायर्स कितने हैवी थे, और सडनली एक बेयरिश मेरू गोजो बना, उसके बाद यहाँ पर सेलर्स का दबदबा चालू हो गया और मार्केट डाउन ट्रेंड चला गया। ठीक है, अब चलते हैं हम हैमर पैटर्न के ऊपर। हैमर पैटर्न क्या होता है, जिसमें हैमर पैटर्न में देख रहे हैं आप, इसकी स्मॉल बॉडी होती है। ठीक है, ऊपर साइड में स्मॉल सा वीक होता है। ठीक है, और नीचे वाला जो विक होता है, यानी कि नीचे वाला, ये बॉडी से डबल होता है। ठीक है, लॉन्ग विक इसके नीचे वाला जो होता है, बिल्कुल लॉन्ग तरह का होता है, लंबा होता है। ठीक है, और ये बॉडी से डबल होगा। ये जब भी बनेगा हैमर पैटर्न, मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड आएगा, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड आएगा। ये कुछ भी हो सकता है, रेड कलर में भी हो सकता है, ग्रीन कलर में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जब भी बनेगा एक तरह का आप कह सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पर चला, डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, ये थोड़ा सा बना और एक एक अप ट्रेंड थोड़ा सा मिल गया। वहीं पर आप देख रहे हो मार्केट में ये सड चला आ रहा था, ये सडनली बना, उसके बाद एक मार्केट में अप ट्रेंड चला। तो ये दिखा रहा है कि कैसे जब भी ये हैमर बनेगा, ये हैमर हमेशा देखो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था कुछ लो, और उसके बाद एक हैमर बना और सडनली अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं बेसिकली, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, और यहाँ पर शो कर रहा है कि एक मार्केट में सडनली चेंज आएगा, यानी कि चेंज बुलिश चेंज आने वाला है। वो आपको आइडेंटिफाई करने में आपको चार्ट के थ्रू, इसमें हैमर के थ्रू आपको आसानी हो जाती है। वही बात करते हैं हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन यानी कि किसी मैन को आप हैंगिंग से भी समझ सकते हैं कि लटका दिया, हैंगिंग मैन यानी कि उल्टा लटका दिया एक तरह से। इसमें देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि ये हैमर के अपोजिट उल्टा होता है। जैसे हैमर में आप देख रहे हो कि बिल्कुल हैमर के जैसा होता है, आप देख सकते हो बिल्कुल हैमर के जैसा ही होता है, बट दोनों में एक फर्क है, हैंगिंग मैन में और हैमर में। वो फर्क क्या है कि हैंगिंग मैन जब भी बनेगा वो अप साइड में यानी कि टॉप पे बनेगा, वहीं पर हैमर जो होता है वो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था और वहां पर हैमर बना, और फिर उसके बाद ये रिवर्सल चेंज आ गया। वहीं पर हैंगिंग मैन में क्या होगा कि अप से अप चल रहा था, हैंगिंग मैन बना और फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, ये भी रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, और ये जब बनेगा, जब भी ये रेड कलर में बनेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि अब बेयरिश शुरू हो जाएगा, बेयरिश रिवर्सल शुरू होगा। वहीं पर बात करें हैमर का, तो जब भी हैमर में ये बनेगा ग्रीन शेप में, ठीक है, तो ये शो करेगा कि एक बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। ठीक है, अब चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हैंगिंग मैन होता क्या। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर चला आ रहा था ट्रेंड अपसाइड में, हैंगिंग मैन बना, उसके बाद सडनली एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर चल रहा था कि अपसाइड थोड़ा चला, तो यहाँ पर शुरू हुआ हैंगिंग मैन बना, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जब भी ये बनता है, ये बनेगा, ये डाउन ट्रेंड शुरू कर देगा, यानी कि रिवर्सल बियरिश टाइप में आपका शुरू कर देगा। ठीक है, ये हैंगिंग मैन हो चाहे हैमर हो, दोनों का जो काम है वो ये शो, ये दिखाता है कि मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड आ रहा है। और ये चार्ट जो बन पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ये 100% श्योरिटी दे देगा कि बिल्कुल हाँ अब ये पैटर्न बन चुका है, अब मार्केट में अब बुलिश होने वाला है या बेरिश होना है। ये आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में, समझने में कि मार्केट में अब नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। ये आपको ये 100% श्योरिटी नहीं देता है कि मार्केट में ये हो
बियरिश ही होगा या बुलिश ही होगा, ये शो नहीं करेगा। ये शो करेगा कि भाई हाँ, ये आपको बताने में मदद करेगा कि अब ये होने वाला है, ठीक है, ये दिखाता है। वहीं पर बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। तो इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ये अपोजिट होता हैमर के, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर स्मॉल बॉडी होता है और उसके बाद सडनली आप देख रहे हो कि लॉन्ग विग बन रहा है, ठीक है, अब ऊपर साइड में, ये अपोजिट हैमर के जैसा ही दिख रहा है आपको, ठीक है। ये भी रेड और ग्रीन में हो सकता है, और जब भी ये ग्रीन साइड में बनेगा ये साइन देगा कि एक बुलिश ट्रेंड आने वाला है, ठीक है, जब भी ये ग्रीन बनेगा नीचे साइड में। और ये भी सेम उसी की तरह से नीचे मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा था, ये बन गया और इसके बाद एक अप ट्रेंड चलेगा, ठीक है, ये शो करेगा। तो हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सडनली मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये बना, उसके बाद मार्केट अब थोड़ा अप ट्रेंड चला, ठीक है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये बना, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट अप ट्रेंड चला। ये दिखा रहा है कि कैसे एक बन डाउन ट्रेंड आते हुए एक हैमर बना और उसके बाद रिवर्सल, एक ट्रेंड चेंज हो गया। ये आपको रिवर्सल ट्रेंड चेंज होने में, आपको आसानी होने में, आपको समझने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि ये आपको श्योरिटी नहीं देता है, ठीक है, ये आपको श्योरिटी नहीं देगा कि ये बिल्कुल 100% वही होगा, ठीक है, लेकिन ये आपको बताने में ये हेल्प करेगा कि भाई मार्केट का अब सडनली एक रिवर्सल चेंज आने वाला है, वो आपको हेल्प करता है यहाँ पर ये बताने में। चलिए अब हम देखते हैं आगे शूटिंग स्टार के बारे में। तो शूटिंग स्टार क्या होता है, ये भी बिल्कुल आपको इन्वर्टेड हैमर के जैसा ही दिखेगा, ठीक है, दोनों एक जैसे ही दिखेगा, लेकिन ये बियरिश ट्रेंड को शो करता है। जब भी रेड कलर का शूटिंग स्टार बनेगा तो ये शो करेगा कि अब मार्केट में बियरिश ट्रेंड आने वाला है, यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। शूटिंग स्टार जब भी बनेगा, शूटिंग स्टार का समझ ही जाए कि बिल्कुल बिल्कुल सडनली नीचे गिरेगा, वो ये बता रहा है जब भी ये बनेगा सडनली आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल शुरू हो जाएगा, बुलिश और बियरिश रिवर्सल शुरू हो जाएगा। और ये जब शूटिंग स्टार का जो है टॉप पर बनता है, जैसे मार्केट में सडनली चल रहा था और एक शूटिंग स्टार बन गया और सब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड चलने लग गया, ये दिखाता है। चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मार्केट अभी थोड़ा सा अपर चला, ये बना शूटिंग स्टार, और मार्केट देखिए देख नीचे आ गया, ये अप ट्रेंड चल रहा था, शूटिंग स्टार बना और मार्केट फिर नीचे चलने लगा। तो जैसे ही शूटिंग स्टार बनेगा ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, ठीक है, ये दर्शाता है कि मार्केट में अब रिवर्सल पैटर्न आने वाला है, ठीक है, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो या शूटिंग स्टार हो, ये जब भी बनेंगे आपको ये आपको इंडिकेशन देंगे, ठीक है, आपको ये श्योरिटी नहीं दे रहा कि बिल्कुल 100% ये होने वाला है, ये आपको इंडिकेशन देंगे कि हाँ बिल्कुल एक ऐसा रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल चेंज होने वाला है अब, ठीक है, ये आपको हेल्प करता है, आपको एक आइडिया दे देगा कि अब मार्केट में सडनली चेंज आने वाला है, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो बिहेवियर वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दर्शाता है। अब बात करें डोजी की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डोजी पैटर्न है, ठीक है, डोजी पैटर्न बेसिकली आप प्लस साइन में देख रहे हैं, जहां पर बॉडी जो होती है इसकी बिल्कुल छोटी होती है और विग जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं प्लस साइन में, ठीक है, बॉडी बहुत छोटी होती है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि डोजी में आप जब पैटर्न में ये समझ सकते हैं कि बायर्स और सेलर थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, ये दर्शाता है जब भी डोजी बनता है मार्केट में, ये दर्शाता है कि मार्केट में कंफ्यूजन चल रहा है कि ये अप चलेगा या डाउन ट्रेंड चलेगा, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर जब भी ये डोजी बनेगा मार्केट में सडनली एक रिवर्सल पैटर्न आने की संभावना होती है, ठीक है, पर कौन सा ट्रेंड चलेगा ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। सडनली जब भी बनेगा या तो अप ट्रेंड भी बन सकता है या डाउन ट्रेंड भी बन सकता है, तो ये कोई वो नहीं, एक प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे पाता है। लेकिन जब भी ये चलने ये बनता है तो इसका मतलब 100% श्योरिटी है कि मार्केट में अब सडनली एक ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं आपको चार्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि चार टाइप के डोजी होते हैं। एक स्टैंडर्ड डोजी होता है जो कि प्लस साइन में होता है, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बिल्कुल बराबर होते हैं, हाई और लो होते हैं। लॉन्ग लेग डोजी होता है, ये बेसिकली होता क्या है, बिल्कुल एक इसमें जो विक होता है बहुत हाई हो जाता है और बॉडी बहुत छोटी होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी बराबर होती है। वहीं पर ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है वो टी शेप में होता है, जहां पर बॉडी बहुत छोटी होगी और उसका जो नीचे वाला जो होगा लो विक जो होगा बहुत हाई, इसका देखो बहुत लंबा होगा, ठीक है,
और यहाँ पर जो ओपनिंग और हाई और क्लोज जो होगा वो एक ही समान होगा, बराबर होगा। वहीं ग्रेव स्टोन की बात करें तो ग्रेव स्टोन में आप देखते थे ये अपोजिट है ड्रैगन फ्लाई के, यानी कि उल्टा टी है, जहां पर ये दिखा रहा है कि इसका विक जो है अपसाइड में बहुत हाई है, जबकि बॉडी और उसकी जो ओपनिंग है और क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल बराबर है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे हो ये। तो ये दिखता कैसा है डोजी, हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी आप डोजी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लॉन्ग लेग है, जैसे ये बना उसके बाद मार्केट एक सडनली चेंज आया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक सिंगल स्ट्रेट डोजी बना और उसके बाद सडनली एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा था और फिर सडनली एक डाउन ट्रेंड हल्का चला। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक प्लस साइड में वही बन रहा था, अब डाउन ट्रेंड चला था, सडनली बना तो अप ट्रेंड चला, तो ये देख रहे हैं आप बिल्कुल। तो ये शो कर रहा है कि कैसे मार्केट में सडनली एक बिहेवियर चल रहा था और अचानक से चेंज हो गया। तो ये अप ट्रेंड भी शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड भी शो कर रहा है, तो ये कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे पाता। यहाँ पर ये दिख रहा है ना कि कंफ्यूजन एक तरह का क्रिएट कर पा रहा है कि मार्केट में अब बायर्स और सेलर्स का क्या बिहेवियर है, ये आपको इंडिकेशन दे पाता है कि मार्केट में सडनली एक रिवर्सल चेंज आता है। चाहे आप सिंगल में देख ले, चाहे शूटिंग स्टार हो या इन्वर्टेड हैमर हो या फिर हैंगिंग मैन हो या फिर हैमर हो और ये डोजी हो, ये बेसिकली एक रिवर्सल कैंडल है। जब भी ये बनेंगे आपको एक तरह का इंडिकेशन दे पाएंगे, इंडिकेशन देंगे कि मार्केट में अब सडनली एक रिवर्सल पैटर्न शुरू हो रहा है, ठीक है। आपको ये हेल्प करेगा कि ये मार्केट में एक सडनली चेंज आने वाला है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेयरिश हो, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा, ना कि आपको बिल्कुल श्योरिटी देगा कि ये बिल्कुल हाँ अब बिल्कुल बुलिश चलने वाला है या बेयरिश चलेगा। ये आपको बस इंडिकेशन देगा और आपको अपना आइडेंटिफाई करना है, और भी कई चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, कई सारे और इसमें क्या नाम है आपको टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट के और चार्ट को रीड कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।